कितनी तरह की कंपनियां सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रेशर्स को हायर कर रही हैं? एमएनसीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, हाई पैकेज स्टार्टअप्स हैं। क्या आपको पता है कि सबका क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या पैकेज है, किस तरह से उसमें अप्लाई करना है? तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखें, हमने सारी कंपनीज को 3 कैटेगरीज में डाला है, कैटेगरी ए, बी, सी, जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस बना रहे हैं। हमने गूगल पे बनाई, अमेजोन पे बनाई, माइक्रोसॉफ्ट पे बनाएंगे, आगे रिज्यूमे पे बनाएंगे, कैसे शॉर्टलिस्ट होना है, कैसे अप्लाई करना है, तो वो सब हम इस सीरीज में बनाने वाले हैं। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इससे पहले कि हम कैटेगरीज में जाएं, तो मैं एक बार बता देता हूं इससे आपको क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर आपको एक पता चल जाएगा कि यार मुझे ये पैकेज कंपनी ऑफर कर रही है, टारगेट करनी है और ये क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन करोगे, ठीक है? तो आपको काफी एडवांटेज मिलेगा प्रिपरेशन के वक्त। अब आ जाते हैं डिफरेंट कैटेगरीज। हमने कंपनीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ सीटीसी दे ऑफर। कैटेगरी ए वो कंपनी है जो 5 लाख तक पैकेज देती है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, इस तरह की कंपनियां हैं। कैटेगरी बी जो कंपनियां 5 से 10 लाख का आपको सीटीसी ऑफर करती है, और कैटेगरी सी जो 10 से ज़्यादा लाख का आपको ऑफर करती है। क्यों हमने ऐसे कैटेगराइज किया है? क्योंकि इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो रिक्वायरमेंट्स होती है, एलिजिबिलिटी है, वो काफ़ी सिमिलर है। उन वो बेसिस भी हमने कंसिडर किया है, तब हमने इस कैटेगराइजेशन किया है। अब बात कर लेते हैं डिटेल में। कैटेगरी ए में कंपनीज आती है TCS, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एनटीटी डेटा, न्यूक्लियस, सेपियंट, तो बहुत सारी कंपनीज। अगर आप देखोगे 80-90% कंपनी इसी पैकेज रेंज में हायरिंग होती है, 3 से 5 लाख की, तो सबसे ज़्यादा हायरिंग इसी में ही होती है। ये कंपनियाँ मोस्टली आपको ऑन कैंपस विजिट करती है, ऑफ कैंपस इसमें काफ़ी लिमिटेड हायरिंग्स आती है, उसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, तो मोस्टली कैंपस विजिट करती हैं, या फिर ये ऑफलाइन वेबसाइट फ्रेशर्स वर्ल्ड, इंटर्नशाला या हायरिस्ट और या आपकी Naukri.com के थ्रू हायरिंग करती है। तो मोस्टली ऑन कैंपस करती है, बट ऑफ कैंपस भी काफ़ी ये कंपनीज करती हैं। ओके, अब आता है व्हाट डू यू नीड टू गेट सिलेक्टेड इन दिस कंपनी, प्रोसेस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 75-80% होनी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज क्राइटेरिया इन कंपनी में काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। मोस्टली वो 65 से 70 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, तो 70+ है तो आप सेफ है, 7 CGPA से ज़्यादा है तो आप सेफ है। नेक्स्ट आपको रिटर्न के लिए क्या क्या चाहिए, आपको C++ के बेसिक्स आने चाहिए, पॉइंटर कैसे काम होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लेआउट, लूप्स वगैरह, ठीक है? क्योंकि उसके बेसिस पे काफ़ी MCQ क्वेश्चंस आते हैं जो इनके रिटर्न में आते हैं, ऊप्स के बेसिस पे, DSA के बेसिस पे, उस पे भी वो टॉपिक सब कवर हो जाता है। इसके साथ साथ आपको एप्टीट्यूड आना चाहिए। एप्टीट्यूड में आपको क्वांट और रीजनिंग दोनों एप्टीट्यूड आना चाहिए कैट के लेवल का। अगर आप पूछोगे कितना डिफिकल्ट, तो कैट लेवल इज इनफ, इतना ही पूछा जाता है। उसके साथ साथ आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश के कॉम्प्रीहेंशन, पैरा को कैसे करना है, पैरा जंबल्स वगैरह, तो जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, वो आपको करनी है, वो कैप स्ट्रॉन्ग करनी है, वो काफ़ी मैटर इसमें करता है। इसके साथ साथ आपको बेसिक कोडिंग आनी चाहिए, क्योंकि इनका जो टेस्ट होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होता है, कि 4-5 सेक्शन होते हैं, एप्टीट्यूड हो गया, कोडिंग MCQ हो गया, और आपका इंग्लिश वाला सेक्शन हो गया, पैरा लिखना है, ईमेल लिखना है, तो इस तरह के भी काफ़ी आते हैं। बट उसके साथ साथ आपको कोडिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन कोड करने के लिए दे देते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग पे हो गया, एरे पे हो गया, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता, बट थोड़ा सा नॉर्मल एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लंबी होती है तो कन्फ्यूजिंग लगता है, तो इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करें। इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको ऊप्स पढ़ना है, आपको कोर जावा पढ़ना है। हो सकता है कोर जावा ना पूछे, वो आपको चॉइस दे दे कि अगर आपका जावा बैकग्राउंड नहीं है, बट मोस्टली कंपनीज प्रेफर करती है कि आपको ऊप्स तो आए ही आए, वो तो मैंडेटरी है, बट कोर जावा भी कर लो तो एडवांटेज ही है, कोई नुकसान नहीं होगा। DSA आपको काफ़ी बेसिक लेवल पे करना है, कि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, कि आपको स्ट्रिंग, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ट्री के बेसिक्स, तो इनकी थ्योरी थ्योरी करनी है, सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम्स करने हैं, ट्रेवर्सल के, मिडल के, डिलीट के, लूप फाइंड करने के, तो ये सिंपल सिंपल चीज़ें करनी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करना है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग वगैरह तो करनी नहीं है बिल्कुल, अगर आप ये कंपनी टारगेट कर रहे हैं। इंटरव्यू प्रोसेस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बाकी कॉन्फिडेंटली वो आपसे पूछते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको CS के सब्जेक्ट्स करने हैं अपने, DBMS, OS, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नेटवर्किंग, तो ये जो सब्जेक्ट्स है ये भी आपको प्रिपेयर करने हैं, इसके भी बेसिक आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती इंटरव्यू प्रोसेस। अपार्ट फ्रॉम दिस ये आपसे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं, प्रोजेक्ट्स आपको सिंपल से भी बहुत है, अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएं तो दैट्स फाइन, आपका काम चल जाएगा, ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। इंटर्नशिप तो ऑप्शनल है, करें तो अच्छी बात है, ना करें तो और भी अच्छी बात है, ठीक है? तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। इसका प्लेटफॉर्म मोस्टली एमकैट पे होता है, कोक्यूब्स पे होता है, ई लिटमस पे होता है, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, इस प्लेटफॉर्म्स पे ही टेस्ट होता है, तो उस पर भी जाके आप प्रैक्टिस कर ले, ताकि आप यूज्ड टू हो जाओ। अब इसमें जो दो तरह की कंपनियां हो गई, एक तो मास रिक्रूटर्स हो गई जो 3-3.5 लाख देती है, बाकी कुछ और छोटी मोटी कंपनीज होती है जिनका आपने नाम नहीं सुना होता है, 4 लाख, 4.5 लाख देते हैं। अब आती है गुड स्पोकन इंग्लिश, जो मास रिक्रूटर्स है, BPOs वगैरह है, कस्टमर केयर है, इस तरह के बैकएंड जॉब के, तो वो तो इंग्लिश बहुत प्रेफर करती है। अगर आपको बाकी सारी नॉलेज नहीं है, ऊपर जो मैंने इतना सारा ज्ञान दिया, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो भी आप इसमें सिलेक्ट
हो सकते हो। काफ़ी बच्चे सिलेक्ट होते हैं इस तरह के भी, क्योंकि 1.5 लाख बच्चे मास रिक्रूटर में हर साल सिलेक्ट होते हैं, तो हर कोई कोई कोडिंग जीनियस नहीं होता है, ठीक है। तो वो सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पे, कम्युनिकेशन के बेसिस पे भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो डोंट गेट शॉक कि जब आप प्लेसमेंट में बैठो, यार इसका कैसे हो गया, उसका कैसे हो गया, तो ऐसा होता है रियल लाइफ में। बट ये जो 4 लाख 5 लाख की नॉर्मल कंपनियाँ जो आपको नोएडा, गुड़गांव, बेंगलुरु में मिलेंगी, वो लैंग्वेज को इतना मैटर नहीं करती। आप अगर हिंदी में या नॉर्मल इंग्लिश में बात करें तो दैट्स ऑल्सो फाइन, वो जरूर आपको इवेल्युएट करेगी नॉलेज पे, वो सिर्फ इंग्लिश पे आपको सिलेक्ट नहीं करेगी। कैटेगरी बी है हमारी वो कंपनियां जो 5 से 10 लाख का पैकेज देती है, जैसे कि सैमसंग, HP, डेल, यात्रा, डिलॉयट और बहुत सारी स्टार्टअप जो 7 लाख 8 लाख 9 लाख, यूनिकॉमर्स है, इंडिया मार्ट है, बहुत सारी कंपनी, इंडिया मार्ट कम देती है सॉरी, बहुत सारी कंपनीज है जो अच्छा पैकेज आपको इस रेंज में देती है। बहुत सारे के नेम आप नहीं जानते होंगे, तो उसके में भी आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। इसकी इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, जब ज़्यादा पैकेज दे रहे तो ज़्यादा ज्ञान लेंगे, है ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं, तो इसके लिए भी आप डेफिनेटली ट्राई करें। एटलीस्ट हर स्टूडेंट को इस सेगमेंट के लिए तो ट्राई करना चाहिए कि आप 7 8 लाख 9 लाख का पैकेज निकालो। और ये सही भी है पैकेज, अगर आप इस कैटेगरी में जा रहे हो तो आपको लगभग 45,000-50,000 पर मंथ से ज़्यादा मिलेगा, मतलब इसी से इंक्रीज होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ा लो, ठीक है। तो बहुत पैसा है यार एज अ फ्रेशर, अगर 50,000 रुपये मिल रहे तो और क्या चाहिए जीवन में, है ना, तो ज़रूर टारगेट करो इसको। इसमें ऑफ कैंपस थोड़ी लिमिटेड आती है, थोड़ा मुश्किल से मिलती है, मोस्टली ऑन कैंपस हायरिंग ही होती है, कॉलेजेस उनके फिक्स्ड हैं, तो जो Tier 3 है जिनके कॉलेजेस में नहीं आता तो उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट इस कैटेगरी के लिए आप ओपन रहो, अगर आप कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे अच्छे हो, इस पे अगर आप कोडिंग अच्छी कर लेते हो, हैकर अर्थ वगैरह पे, हैकर रैंक, कोड शेफ, कोड फोर्सेस पे, तो आपको बेंगलुरु साइड में ऐसी बहुत कंपनियां जो 6 लाख 7 लाख 8 लाख ऑफर करती है, जिनके हम नाम नहीं जानते होते, तो आप धीरे धीरे अप्लाई करोगे प्लेटफॉर्म्स पे तो आपको ओपनिंग्स मिलने वो लगेंगी। आते हैं व्हाट डू यू नीड टू गेट सिलेक्टेड इन दिस कंपनी। तो C++ कोडिंग MCQ वगैरह के लिए आपको चाहिए, जितना लेवल वहाँ है उससे थोड़ा सा ऊपर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। कोडिंग आपको थोड़ी अच्छी आनी चाहिए पहले से, क्योंकि इनके रिटर्न टेस्ट में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे सैमसंग वगैरह में तो ग्राफ के क्वेश्चन आ जाते हैं, DP के क्वेश्चन आ जाते हैं, बट बाकी कंपनियों उसमें रिलेटिवली ईजी आ जाते हैं। लिंगलेस के थोड़े डिफिकल्ट आ जाएंगे, LCA फाइंड कर दो ट्री में, लेफ्ट व्यू राइट व्यू मिरर कर दो, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आपको डिसेंट कोडिंग आनी चाहिए। एप्टीट्यूड कुछ कुछ कंपनी ले लेती है, कुछ कुछ नहीं लेती है, बट मोस्टली कंपनी नहीं लेती है, 70-80% इस कैटेगरी में नहीं लेती होंगी, बट जो लेती है उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब वो इतना डिसाइडिंग नहीं होता, मान लो आपके कोडिंग का सेक्शन भी और एप्टीट्यूड का सेक्शन भी, आपने कोड दो क्वेश्चन दिए थे, दोनों कर दिए, बट एप्टीट्यूड आप नहीं स्कोर कर पाए, तो प्रेफरेंस कोडिंग को ही देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता एप्टीट्यूड से, ठीक है। सो चिल अबाउट दिस पार्ट। फॉर इंटरव्यूज आपको ऊप्स आना चाहिए, कोर जावा आना चाहिए, ये सब कंपनी भी ये सब पूछती है, ऊप्स मैंडेटरी है, कोर जावा आता है तो और अच्छे एडवांटेज है। बट DSA आपको थोड़ा डिसेंट लेवल का आना चाहिए, जैसे पहले हमने बेसिक किया, इसमें मीडियम आपको आना चाहिए। DSA के सारे मतलब DP तक भी पहुंच सकती है कंपनी, अगर 8-9 लाख में आप टारगेट कर रहे हैं तो लास्ट राउंड में DP जरूर पूछेंगी, ग्राफ का क्वेश्चन दे सकती हैं आपको, बट लेकिन वो क्वेश्चन सिंपल वाला होगा, जैसे DP के आप 30-40 क्वेश्चन कर लोगे तो वो उसमें से ही कोई आ जाएगा, क्योंकि जो कॉमन क्वेश्चन है वही वो लेते, कोई नया क्वेश्चन वो नहीं इसमें पूछते, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाए अच्छे तो डेफिनेटली बहुत एडवांटेज है आपको, क्योंकि इंटरव्यूअर जरूर डिस्कस करेगा 2nd-3rd राउंड में आपसे इंटरव्यू के कि आपने क्या किया है प्रोजेक्ट में। अगर इंटर्नशिप करिए तो और अच्छी बात है, क्योंकि डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी 8-9 लाख की कंपनी में, तो इंटर्नशिप करना मैंडेटरी तो नहीं है, बट इट विल डेफिनेटली एड सम वैल्यू टू योर सिलेक्शन प्रोसेस एंड एड सम पॉइंट्स इन योर फेवर। लास्ट आता है कि इसमें बहुत सारे राउंड्स होंगे, एटलीस्ट 3-4 राउंड जरूर होंगे, तो मेक श्योर कि आपको खुश मत हो जाना कि एक इंटरव्यू राउंड हो गया तो मैं सिलेक्ट हो गया, तो कई सारे राउंड होंगे, 4 राउंड के बाद भी हो सकता है वो रिजेक्ट कर दे, तो बहुत होता है, क्योंकि इन पर हायरिंग लिमिटेड होती है, 30-40 बच्चे हायर करते हैं मैक्सिमम, साल में 100 कर लेते होंगे ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, तो वो हज़ारों बच्चों को एवेल्युएट करते हैं, तो 4th राउंड के बाद भी वो रिजेक्ट कर देते हैं, तो मेक श्योर कि आप सारे राउंड अच्छे से दो और अच्छे से मेहनत करो और डेफिनेटली इस कैटेगरी को क्लियर। अब आती है कैटेगरी सी, ये मोस्ट सॉट आफ्टर है, इसमें सारी आपकी फैन कंपनियाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक वगैरह आ जाती है, डायरेक्ट आई है, और भी बहुत सारी स्टार्टअप्स है, रूब्रिक वगैरह है, पेपाल है, तो बहुत सारी कंपनीज है, इसमें लगभग 40-50 कंपनी जरूर होंगी इस कैटेगरी में जो आपको 10 से ज़्यादा का पैकेज ऑफर करती है। बेस सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, CTC तो ये ESOP वगैरह मिला के हो जाता है, इतना जो भी कैटेगरीज हमने बनाई है वो बेस सैलरी पे ही बनाई है जो आपको इनहैंड आएगी, मतलब 12 लाख अगर इन हैंड आएगी तो 30% टैक्स काट के जो 25-30% टैक्स काट के जो बचेगा हाथ में तो वो है, ठीक है। रिलोकेशन बोनस, ज्वाइनिंग बोनस वगैरह इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो इसमें हायरिंग काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, आप जान सकते हैं, ज़्यादा पैसा दे रहे तो और ज़्यादा ज्ञान लेंगे, तो 3-4 राउंड होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपसे इधर उधर पूछी
जाती है, बट इसमें एक एडवांटेज है कि उनकी ऑफ कैंपस प्रोसेस का हायरिंग मतलब काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है कि वो एक ओपनिंग डालेंगे अगस्त में, सितंबर में बच्चे अप्लाई करेंगे, उनको स्क्रीन करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो यहाँ आपको एक कॉन्फिडेंस है कि यार ये स्ट्रक्चर्ड तरीके से ले रहे हैं तो मेरे पास एक शॉट है, आई हैव अ चांस टू गेट सिलेक्टेड। क्योंकि पहले जो कंपनीज पर बात की थी उनका ऑफ कैंपस थोड़ा हैपजार्ड है, कभी आ गई ओपनिंग कभी नहीं आई, कोई स्ट्रक्चर्ड तरीका नहीं है कि वो लेंगे ही कि लेंगे, ठीक है। तो इनका तो है ही कि अमेजोन का आना ही आना है, गूगल का आना ही आना है, माइक्रोसॉफ्ट का आना ही आना है, तो यू कैन बी अश्योर्ड कि इनकी ओपनिंग आएगी और कोई भी कॉलेज का बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। अब हम आ जाते हैं कि ऐसी कंपनी के लिए आपको क्या चाहिए। रिटर्न में एप्टीट्यूड वगैरह नहीं पूछते, ज़्यादा से ज़्यादा C++ के कोडिंग आ जाएंगे, एरर फाइंड आउट कर दो, डिबग कर दो, तो इस तरह के आ सकते हैं 30-35 MCQ, तो वो आपको प्रिपेयर करने। उसके साथ साथ आपको एक्सपर्ट लेवल की कोडिंग आनी चाहिए क्योंकि इनके क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट आएंगे, बहुत सारे केसेस होंगे, यूज केसेस, बाउंड्री कंडीशन जो आपको क्लियर करनी होगी। तो हैकर अर्थ वगैरह पे मोस्टली होता है, हैकर रैंक पे हो जाता है, तो आप प्रैक्टिस करें उन प्लेटफॉर्म पे भी कि उस पे भी आपको कोडिंग करना अच्छे से आए। तो कोड चेक, कोड फोर्सेस भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है लीड कोड वगैरह यहाँ पे कोड करने के लिए। इंटरव्यू के लिए नॉर्मल है, आपको एक्सपर्ट लेवल ऑफ DSA आना चाहिए, बाकी सब CS सब्जेक्ट्स आपको आने चाहिए, यही सब चीज़ें पूछी जाती है। इसमें प्रोजेक्ट काफ़ी ध्यान देंगे, तो अच्छा खासा प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा ताकि आप इंटरव्यू के किसी एक राउंड में डिस्कस करें। कम से कम 4-5 इंटरव्यू तो होंगे, एटलीस्ट 4 इंटरव्यूज़ 3 इंटरव्यूज़ तो आपके ज़रूर होंगे, तो प्रोजेक्ट ज़रूर आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो मेक श्योर एटलीस्ट आपने 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हो, और इंटर्नशिप ज़रूर करो क्योंकि बहुत एडवांटेज मिलेगी उससे आपको इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन्हीं सब कैटेगरी के लिए, कैटेगरी बी और सी के लिए, मतलब 5 लाख से ऊपर की कंपनी, 10 लाख से ऊपर की कंपनी के लिए की प्रिपरेशन करने के लिए हमने एक 90-day का स्टडी प्लान बनाया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें सारे टॉपिक्स हमने स्ट्रक्चर्ड मैनर में कवर करे, 300 से ज़्यादा क्वेश्चन हम DSA के उसमें कवर कर रहे हैं 60 days के अंदर। फिर नेक्स्ट 30 days में बाकी CS सब्जेक्ट, कोडिंग, MCQ, पजल्स वगैरह जो भी आपको एडिशनल आना चाहिए वो सब इसमें कवर हो रहा है। तो अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बात कर लिया कि कैटेगरी A, B, C हमने तीनों बात कर ली। अब आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका ड्रीम क्या है, किस तरह की आपको कंपनी में जाना है। दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बट आप उसके बारे में जान सकते हैं और पैकेज के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज में उसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा आपको कितना पढ़ना है, रिज्यूमे में क्या चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप प्लान करें, उस कंपनी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो आपको अंडर 5 लाख कंपनी में चाहिए वो 5 to 10 में कुछ और चाहिए, 10+ में कुछ और चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और आई होप कि आप कोई ना कोई कंपनी जल्दी निकाले फाइनल ईयर के इनिशियली में। 6-7 sem में मोस्ट कंपनीज आ जाती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो पर आने वाले हैं, रिज्यूमे में क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट्स कैसे लिखने, कौन कौन से प्लेटफॉर्म से अप्लाई करना है। तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, प्लेलिस्ट को हमारी, और चैनल को सब्सक्राइब करें।